गरीब माँ का जादुई लहंगा। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था। वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझला कर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना, आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी। कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर, तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलवीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलवीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है, अरे जय राम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब जो कि लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा, लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आए और ले जाए इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है। मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है, बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है, ना तुम्हें परिवार का प्यार मिला, ना पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहां आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना, चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई, बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है। और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है, ये गाजे बाजे की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती, तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है, तुम्हें याद है
तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकाल कर जीना सिखाया, मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती, मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहां से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो, जाओ बहन अपना घर बसाओ। दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी, मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं, शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है, आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसके आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादी शुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई। आंखों में आंसू लिए माधुरी टूटे मन से अपने पिता बैजू से कहती है, बाबूजी मुझे ब्याह नहीं करना, आप मंदा जी को मना कर दीजिए। मगर क्यों बिटिया, तू तो भली भांति जानती है कि हम इस गरीबी में कैसे बदतर दिन काट रहे हैं। ऊपर से तेरा ये श्यामला रंग तेरी शादी ब्याह में अड़चन बनता आया है। हर हित पाहुन तेरे काले रंग का ठट्ठा उड़ाकर तुझे ठुकरा कर चल देते हैं। इस बार ईश्वर की दया से इतना सुनहरा रईस रिश्ता मिला है, फिर दहेज के दाम में उन्होंने एक आना भी नहीं मांगा, फिर तू ब्याह करना क्यों नहीं चाहती बेटा? क्योंकि बाबूजी, लाख कोशिश के बावजूद मैं चाहकर भी जायकेदार खाना नहीं बना पा रही हूँ। कभी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो कभी दाल जल जाती है, तो कभी सब्जी नमक मसाले के मारे माहूर हो जाती है। इसके चलते शादी के बाद मेरी सास मुझे बेढंगी बहू का ताना बाना देगी। माधुरी बेटी, इतनी बेचैन ना हो, अभी तो तेरे ब्याह में महीना भर की देरी है, तब तक तू सीख जाएगी, तेरे बाबूजी को पूरा यकीन है तुझ पे। बैजू की बात सुनकर माधुरी खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। इस बीच महीने भर का मंजर खत्म हो जाता है और शादी का दिन आता है। माधुरी की शादी मंदा के बेटे अवधेश से हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है काली नई बहू के ससुराल का सफर। रिपना बहू,
घर की रीत रिवाज के हिसाब से घर की बड़ी बहू छोटी बहू का स्वागत करती है। आगे बढ़कर बहू का स्वागत करो। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मैं अपने सुंदर हाथों से अपनी काली देवरानी का स्वागत करूं। आइए देवरानी जी, ससुराल में आपका स्वागत है। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद। माधुरी बहू, सभी रस्म खत्म हो चुकी है, तू भी जाकर आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है, सवेरे उठना होगा। जी माँ जी। पहली रसोई की रस्म के मारे बेचारी काली बहू सारी रात बद्रा की ओर ताकती हुई बिहान कर देती है। सवेरा हो चुका है, आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी से झाड़ बहार करके नहा लेती हूँ। माधुरी समय से सारा काम निपटा कर रसोई घर में हाजिर हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, सुन बहू, आज तू खाने में कचौरी छोले और खीर बना दे, और मेरे लिए बस सादी रोटी और दाल बना देना। इसके बाद मंदा खाने की मेज पर जाकर बैठ जाती है और इतना कहती है, क्या बात है देवरानी जी, माँ जी की फरमाइश सुनकर आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया? जेठानी जी, मुझे नमक मिर्च का अंदाज मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी। बस इतनी सी बात, एक काम करो, कुकर में छोले उबालने को बिठा दो, 10-12 सीटी में उबल जाएगा, और कचौड़ी के मैदे में नमक ज्यादा डालना, मैदे में खपत ज्यादा होती है। काली बहू की कमी का फायदा उठाकर रिपना जानबूझकर उसका खाना खराब करने के लिए उलूल जुलूल तरीका बताती है। माधुरी उसी हिसाब से खाना पकाकर सभी के बीच परोसती है। अब आएगा मजा। माँ जी शुरू कीजिए। मंदा बारी बारी से काली बहू के बनाए खाने को चखने लगती है और फिर, आथू, बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे ये खाना बनाया है या खिलवाड़ किया है? सारे छोले तरी में घुल मिल गए हैं, उस पर से नमक के मारे माहूर है। रोटी और कचौड़ी एकदम आढ़ी टेढ़ी बनाई है, खीर तो एकदम बकबकी लग रही है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं ऐसी बहू ले आई, जो ना रूप की धनी है ना गुड़ की भरी है। सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू फफक फफक कर रोते हुए रसोई घर में आकर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी मेरे हाथों से अच्छा खाना क्यों नहीं पक पाता। अचानक माँ अन्नपूर्णा काली बहू की नजरों के साझे प्रकट होती है, जिन्हें देख कर माधुरी कहती है, हे देवी, आप कौन है? माधुरी, मैं माँ अन्नपूर्णा हूँ। जो टूटे पीसे मन से माँ अन्नपूर्णा को पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। माँ अन्नपूर्णा, मैं क्या करूँ, अपने हाथों से जो भी खाना पकाती हूँ वो खराब बनता है। शायद मेरे कालेपन का परछावा पड़ने के कारण सब बिगड़ जाता है। कुछ करो माँ। शांत हो जाओ माधुरी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरा नाम लेकर अब से तुम अपने हाथों से जो भी पकाओगी वो जादुई खाने में बदल जाएगा। मगर ध्यान रहे, ये राज कोई जानने ना पाए, वरना खाने से जादुई होने का असर टूट जाएगा। इसी के साथ माँ अन्नपूर्णा अंतर ध्यान हो जाती है और इस शाम माधुरी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना पकाती है। जय माँ अन्नपूर्णा। इस जादुई खाने को खाकर माँ जी और मेरे बीच हुए सभी गिले शिकवे मिट जाएंगे। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, एक रोशनी खाने में समा जाती है, जिसके साथ वो जायकेदार जादुई खाने में बदल जाता है। फिर माधुरी खाना मेज पर लगाती है, तभी रिपना बीच में तारीफ बाजी करते हुए कहती है, अरे माधुरी, सवेरे माँ जी को अपना बेढंग खाना खिलाकर मन नहीं भरा, जो सांझ को फिर उनके मुंह का स्वाद बिगाड़ना चाहती हो? अरे ले जा अपना उलुल जुलुल खाना, इसे देखकर ही मेरी भूख मर गई है। माँ जी, मैंने बड़े प्यार से बनाया है ये सब, एक बार चख कर देखिए मेरे खातिर। जैसे ही मंदा अपनी काली बहू के हाथों द्वारा बनाया गया जादुई खाना खाती है तो वो खुद को खाने की बड़ाई करने से रोक नहीं पाती। वाह बहू, मजा आ गया, क्या जायकेदार खाना बनाया है, मन खुश हो गया ये खाना खाकर। हाँ माधुरी, सचमुच क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने,
तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सुनकर माधुरी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब इन्हें क्या पता जादू खाने में है। उस रोज के बाद काली बहू के हाथों बने जादुई खाने ने सभी का मन मोह लिया। अब तो हर दिन मंदा अपने मुंह से काली बहू के जादुई खाने की बड़ाई करते नहीं थकती। माधुरी बहू जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। वो आज सांझ मेरी कुछ सहेली तुझे देखने आ रही है, उनके लिए बढ़िया कुछ बना लेना। इसी के साथ माधुरी रसोई घर का रुख करती है। एक काम करती हूँ, मटर मशरूम की सब्जी और पालक पनीर के पकोड़े बना लेती हूँ, साथ में कचौड़ी कर दूंगी। माधुरी झटपट से खाना पका लेती है और कहती है, जय माँ अन्नपूर्णा, जल्दी से जादुई खाने में बदल जाओ। काली बहू के ऐसे कहते ही वो खाना जादुई खाने में बदल जाता है। तभी रितना वहाँ आती है। माधुरी माँ जी की सहेली आ चुकी है, उन्हें पानी दे आओ। जी जेठानी जी। माधुरी के रसोई घर में जाते ही रिपना सब्जी में मिर्ची का डब्बा उड़ेल देती है। इस बात से बेखबर माधुरी मेज पर खाना परोसती है। जादुई खाने का पहला निवाला खाकर मंदा की सहेली जमुना कहती है, मंदा तेरी बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। इतना बेनजीर खाना बनाया है कि जी करता है उंगलियां चाट जाऊं। ये सुनकर रिपना कुड़कुड़ाने लगती है, ये कैसे मुमकिन हुआ? जमुना चाची के मुंह से धुआं निकलने की बजाय काली बहू के खाने की बड़ाई निकल रही है। कुछ तो ऐसा जरूर है जो ये काली कमली छुपा रही है। उस रोज से रिपना माधुरी पर नजर रखने लगती है। एक दिन माधुरी किचन में खाना बना रही थी, पर रिपना छुपकर माधुरी का ऐसा करता देख लेती है। उसे जादुई खाने का राज मालूम पड़ जाता है। रिपना अपनी सास को बुलाहट देती है, माँ जी जरा जल्दी से रसोई में आइए। अरे क्या बात है रिपना बहू, इतनी गर्दिश क्यों मचा रखी है? माँ जी, देवरानी जी के हाथों बने भोजन का भेद खुल गया। आप जानती भी हैं, देवरानी जी जादुई खाना बनाती हैं, इसलिए वो जायकेदार होता है। माँ अन्नपूर्णा ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। रसोई घर का राज खोलता देखकर काली बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, जेठानी जी, आपको मेरे जादुई खाने का राज पता चल गया। अब मेरे हाथों का खाना फिर से बिगड़ने लगेगा और मजबूरन मुझे फिर से माँ जी के ताने बाने सुनने होंगे। बेबस काली बहू के दिल में बसा बेढंगा खाने का खौफ देखकर मंदा का दिल भर आता है और वो कहती है, ना बहू रो मत, अब तुझे तेरी सास खाना बनाना सिखाएगी, वो भी बिना ताने बाने के। ये सुनकर माधुरी के चितवन में बसा खाने का खौफ खुशी में बदल जाता है और आखिरकार काली बहू सास की आस पर खरी उतरती है, जिसके बाद काली बहू जादू पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होकर लाजवाब खाना बनाने लगी थी। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। अरे हिना बस 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 करो यार, तुम तो आज पागल ही हो गई हो। अरे सारा प्यार फोन पर ही दिखा दोगी या शादी के बाद के लिए भी कुछ रखोगी? हाँ अरे मेरे राजा, चिंता क्यों करते हो, कल ही तो हमारी शादी है, उसके बाद तो बस प्यार और प्यार ही होगा हमारे बीच। हाँ हाँ ये बात तो सही है, बस आज की ही रात ही तो हमें अकेले गुजारनी है। वैसे ही ना मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। देखो यार मैं इतना गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे आने से पहले कई लड़कियों ने मेरी गरीबी के चलते मुझे छोड़ दिया। जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसों का मोल भाव नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी क्योंकि तुम मुझे समझते हो। हिना और दक्ष दोनों फोन पर बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो दोनों अपनी शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। शाम होते होते हिना और दक्ष दोनों की शादी हो जाती है और दक्ष हिना को अपने घर ले आता है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, हम तो गरीबी में जूझ ही रहे थे, अब तुम भी इस गरीबी में जूझना। हमारे खाने के तो लाले पड़ ही रहे थे, अब इसकी खाने के लिए इस घर में कौन लाकर रखेगा? वैसे भी भैया घर खर्चों के लायक भी सही से कमा नहीं पाते। अपनी बहन और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दक्ष हिना को अपने कमरे में ले जाता है। हिना तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
दक्ष के जाते ही दक्ष की दादी माँ कमरे में आती है, जिन्हें देखते ही हिना उनके पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू। आशीर्वाद देने के बाद रुक्मणी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हिना सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हिना नींद से जागती है और सबसे पहले वो मंदिर में पूजा करते हुए आरती गाती है। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हिना की आरती से घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी की तबीयत खराब होती है और वो अपने कमरे में ही होती है, जिसके चलते हिना रुक्मणी का नाश्ता बनाकर उसे कमरे में ही दे आती है। अरे बहू, तू बहुत अच्छी है। इतने समय से मैं अपने पुश्तैनी लहंगे की जिम्मेदारी किसी को देना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। बहू, मैं अपना पुश्तैनी लहंगा तुम्हें देना चाहती हूँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। हिना दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा अपने कमरे में ले आती है। आखिर देखो तो सही, दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा कैसा है। वैसे भी इतने पुराने लहंगे को कौन ही पहनेगा। हिना जैसे ही उसे खोलती है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर और प्यारा लहंगा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लहंगा है। वैसे दादी जी की चॉइस को मानना पड़ेगा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये पुश्तैनी लहंगा इतना खूबसूरत होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से ये बनकर आया हो। हिना अपनी मुंह दिखाई वाले दिन पुश्तैनी लहंगा पहनती है, जिसके चलते उसके अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हाय मोरी दैया, ये सब क्या हो रहा है। ये पुश्तैनी लहंगा तो मामूली लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। तभी हिना के कमरे में रुक्मणी आती है और कहती है, बहू आज से इस परिवार को तुझे ही चलाना है। ये पुश्तैनी लहंगा तुझे इसलिए दिया गया है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का लाभ मिल सके। चलो, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, लेकिन अगर सोने और हीरे इस प्रकार इस लहंगे से निकलते रहे तो कैसे चलेगा। यही तो कमाल है बहू, तेरी गरीब सास और ननद जब इस लहंगे का जादू देखेगी तो वो भी तेरे प्रति बदल जाएगी। रुक्मणी अपनी बहू हिना को अपने साथ सबके पास ले आती है, जिसके चलते हिना जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाती जाती है, उसके जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या मैं कोई चमत्कार देख रही हूँ। हमारे इस गरीब खाने में इतने सारे सोने के सिक्के और हीरे। हे भगवान, साक्षात लक्ष्मी माता हमारे घर में चल रही है। ये तो चमत्कार हो गया। जब मैंने इस लहंगे को पहना था तो ये पुश्तैनी लहंगा बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें से कुछ नहीं निकला था। तभी रुक्मणी कौशल्या से कहती है, क्योंकि इस जादुई पुश्तैनी लहंगे को पहनने के लिए नियत और दिल साफ होना चाहिए। जो हमारी बहू का है वो बड़े बूढ़ों का आदर करती है और उनकी सेवा भी करती है, लेकिन कौशल्या ये बता, तूने आज तक एक गिलास पानी भी दिया है क्या मुझे। रुक्मणी की बातें सुनते ही कौशल्या के मुंह पर ताला लग जाता है। आखिरकार आज हमारा जादुई पुश्तैनी लहंगा सही बहू के हाथ में चला ही गया। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का इस्तेमाल मैं हमेशा अच्छे कामों में ही करूँगी और इस घर की भलाई के लिए ही करूँगी। तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी ना, तुम्हारे प्यार की शक्तियों ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अरे ये तो देवी माँ है, साक्षात लक्ष्मी माता ने हमारे घर में कदम रखे हैं। देखो तो बहू के हर एक कदम पर सोने के सिक्के और हीरे बरस रहे हैं। हाँ। हिना के आगे घर के सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग हिना की चापलूसी में लग जाते हैं। अरे बहू, तू तो देवी है देवी, आज से तू ही इस घर की मालकिन है और तू ही इस घर की विधाता है। ये क्या हो रहा है, मैंने तो सुना था सास साक्षात चांडालनी होती है, लेकिन मेरी सास तो भीगी बिल्ली निकली। वैसे गृह प्रवेश वाले दिन मेरी सास ने अपने असली रंग भी दिखाए थे,
लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब कुछ तो इस पुश्तैनी लहंगे का कमाल है। हिना मन ही मन दादी माँ का शुक्रिया कहने लगती है, जिसके चलते दादी माँ उसकी बातें समझ जाती है और उसकी तरफ मुस्कुरा देती है। तभी राखी हिना को हवा करने के लिए पंखा लेकर आती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। आप तो इस घर की देवी हो, आपको तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। आइए आप यहाँ बैठिए, मैं आपको हवा करती हूँ। क्या बात है, इतनी अच्छी खातिरदारी तो मैंने कभी किसी बहू की नहीं देखी। वैसे मेरी प्यारी ननद, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दरअसल मुझे अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। भैया के पास पैसे ही नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने मुझे मना कर दिया था, और माँ ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही मांग लूं। अरे जाओ जाओ, जितने चाहे उतने पैसे और हीरे उठा लो, ये सब तुम्हारा ही तो है। ऐसा कहकर हिना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो लहंगा उतार देती है। लहंगा उतारने के बाद उसका जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जादू केवल जादुई पुश्तैनी लहंगे के ही अंदर था। तभी हिना के पास दक्ष आता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता हिना, तुम्हारे पैर तो हमारे घर में लक्ष्मी की तरह पड़े हैं। तुमने तो एक ही दिन में हमारे घर को खजाने से भर दिया है। अजी मैंने आपसे कहा था ना, जहाँ प्यार और नियत साफ हो वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हमारी जिंदगी में कभी कुछ भी गलत नहीं होगा और हम खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन के बाद से उन सभी की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। हिना जब भी कोई परेशानी में होती है, अपना लहंगा पहनकर थोड़ी देर यहाँ से वहाँ टहल लेती है, जिसके चलते उसके पास कई सारा सोना और हीरा आ जाते हैं। एक दिन सड़क के किनारे एक गरीब का एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है इस गरीब का कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं इस गरीब का इलाज जरूर करवाऊंगी। हिना सबसे पहले उस बेचारे आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जिसके बाद में वो अपने घर जाती है और अपना पुश्तैनी लहंगा पहनती है और यहाँ से वहाँ चलती है। उसके चलते ही सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हिना उन सभी को उठाकर डॉक्टर को देते हुए कहती है, डॉक्टर साहब आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन इस बेचारे गरीब को बचा लीजिए, इसकी जिंदगी बहुत अनमोल है। हिना तुरंत उस बेचारे गरीब का इलाज करवाती है और उस दिन के बाद से वो अपने जादुई पुश्तैनी लहंगे से गरीब बेसहारा लोगों की मदद किया करती है, जिसके चलते वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह के 7 बज गए हैं, मगर ये बुढ़िया अब तक सो रही है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर गुस्से से दांत पीसती हुई गौरजा अपनी बूढ़ी सास पर बाल्टी भरकर बर्फीला पानी डाल देती है, जिस कारण दुलारी ठंड से ठिठुरती हुई कहती है, अरे गौरजा बहू, ये क्या अत्याचारी है। अरे रिश्ते का मान नहीं रख सकती तो कम से कम अपनी बूढ़ी सास की उम्र पर तो तरस खाओ। चुप कर बुढ़िया, फुर्ती से उठ और मेरे लिए चाय बना। ये वाक्य पहली बार नहीं था जब दुलारी की घमंडी बहू गौरजा अपनी सास के साथ ऐसे पेश आई थी। दरअसल गौरजा को अपने गोरेपन का बहुत गुमान था, इसलिए वह काम करने से कतराती थी, जिस कारण दुलारी ने सारे काम को संभाल लिया। वह सारा दिन दुलारी को अपने इशारे पर नचाती, माँ कहाँ हो आप? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो, माँ जी अंदर हैं। गौरजा तुम्हारे रहते माँ खाना बना रही है और तुम ये नेल पॉलिश लगा रही हो, अरे कभी तो अपने हाथ पाँव चला लिया करो। देखो प्रवेश, मैं चूल्हा चौका करके अपने सुंदर स्किन के साथ रसोई में रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र ढल गई है, अगर हाथ पाँव जल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे चांद जैसे गोरे चेहरे में दाग पड़े। बेवकूफ औरत कब समझोगी, तुम औरत की खूबसूरती उसके गोरे रंग से नहीं उसके गुड़ से गिनी जाती है, मगर तुम्हारा गोरा रंग तुम्हारी अकल को खा गया है, तभी तुम अपनी सास के साथ भेदभाव करती हो। दूर खड़ा पुनीत अपने भाई और भाभी के झगड़े को देख रहा था और फिर वह अपने मन ही मन बोलता है, क्या फायदा उस गोरे रंग का जो रिश्तों को तोड़ कर रख दे। पुनीत के मन में ये बात घर कर जाती है और वह नैना नाम की एक काली लड़की से शादी करके घर आता है। माँ ये नैना है आपकी बहू। दुलारी के मुंह पर जैसे चुप्पी की चपत पड़ जाती है। वह दूसरी ओर गौरजा नैना की हंसी उड़ाते हुए कहती है, दाद देनी पड़ेगी आपकी नजर को देवर जी, आप तो चलती फिरती कोयले की खान उठा ला। अरे जमाने की गोरी चिट्टी लड़कियां सूली पर चढ़ गई थी क्या,
जो लल्लू राम जैसी लड़की से शादी कराए? आप कहां मेरी कैटेगरी के और ये कहां काली। नैना ने कभी गलत के खिलाफ झुकना नहीं सीखा, इसलिए गौरजा को करारा जवाब देते हुए वो बोल पड़ी, लगता है आपकी काले रंग वालों से खास बनती नहीं है, मगर उस काले रंग को आपने अपनी आंखों में जगह दे रखी है। चलिए पुनीत जी। दुलारी का मन उसकी गोरी बहू के भेदभाव से भर चुका था, इसलिए उसकी आंखों में नैना के लिए भी वही छवि खींच चुकी थी, क्योंकि दूध का जला तो मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। फिर ये तो सारा मसला गोरी काली बहू के भेदभाव का था। अगली सुबह नैना सारा काम निपटाकर रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास डरी सहमी हुई खुद में बड़बड़ाती हुई बोलती है, आज तो उठने में इतनी देरी हो गई। अरे माँ जी, आप क्यों किचन में चली आई? मैं तो चाय लेकर आपके कमरे में ही आ रही थी। ये लीजिए चाय। अपनी काली बहू से मिले इज्जत की भेंट को देखकर सास की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं और वह मन में कहती है, क्या सचमुच नैना बहू नेक दिल है या ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? नहीं बहू, चाय बहुत अच्छी है। कुछ देरी के बाद गौरजा रसोई में आकर अपनी सास पर खिसियाते हुए कहती है, सासू माँ, बुढ़ापे में अभी से सटियाना शुरू कर दिया? जाओ जाकर मेरे कमरे को क्लीन करो, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। जेठानी जी, ये क्या सलीका है सासू माँ से बात करने का? और सासू माँ क्यों आपके कमरे की सफाई करेंगी? आपके हाथ पैरों में दीमक लग गया है क्या? नैना की ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाई गौरजा भड़कते हुए बोलती है, तुम्हारी कौन हो हम सास बहू के बीच में बोलने वाली? इस घर की छोटी बहू, आज से आप अपने कमरे की सफाई खुद करेंगी, और अगर इसे आपकी गोरी रंगत घिसती है तो काम वाली बाई रख लो। काली बहू के करारे शब्द ने गौरजा की बोलती बंद कर दी थी। तभी दुलारी अपनी बहू से कहती है, शुक्रिया छोटी बहू, आज तूने अपने सास के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई। माँ जी, अपनी बहू की एक बात याद रखिए, स्वाभिमान इंसान का श्रृंगार है, इसे बनाने में बरसों बीत जाते हैं मगर जाने में एक लम्हा बहुत होता है। ये घर आपका है, फिर आप क्यों दबकर और डर कर रहती हैं? हाँ बहू, डरती हूँ क्योंकि जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है वो इस माँ की आंखें हैं। चुप हूँ तो इसलिए कि कहीं गौरजा बहू मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ना ले जाए। बहुत से अरमान थे इन आंखों में, सभी की तरह मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी बहू के साथ चाय की चुस्कियां लूं, घंटों गप्पे लड़ाऊं, हम एक साथ बाजार जाएं, मगर गौरजा बहू के बर्ताव के बाद सारे अरमान मन में ही रह गए। अपनी सास की मन की बात जानकर काली बहू से पूरा करने का मन बनाती है। फिर उसी शाम, माँ जी चलिए साथ बैठकर चाय पीते हैं, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। दोनों सास बहू बातें ही कर रही थीं, तभी कंधे पर पर्स लटकाए गौरजा को बाहर की ओर बढ़ता देख दुलारी बोलती है, अरे बड़ी बहू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, आ दो घड़ी हमारे साथ बैठ जा। मैं और तुम दोनों के साथ बैठूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका तो स्टैंडर्ड ही मुझसे मैच नहीं होता सासू माँ। और रही बात मेरी दो कौड़ी की काली देवरानी की, तो मुझे उसके साथ बैठने उठने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, ये कहकर गौरजा गुस्से से जमीन रौंद कर चली जाती है। समय बीतता है, दुलारी अपनी काली बहू के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। उस सास को जैसी बहू की आस थी, नैना बिल्कुल वैसी ही थी। एक दिन नैना अपनी सास को बहाने से बाजार घुमाने लेकर जाती है, माँ जी वो देखिए चाट पापड़ी, चलिए ना साथ मिलकर खाते, मेरा बड़ा मन है खाने को। रहने दे नैना बहू, तेरी सास भले भोली है मगर ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। मैंने जिस दिन से तुझे अपने मन की बात बताई है तो मेरी एक एक ख्वाहिश को पूरा कर रही है। जरूर मैंने पुण्य किया होगा जो मुझे बेटी से भी बढ़कर बहू मिली है जिसे मेरी ख्वाहिशों का ख्याल है। माँ जी अब आप इतनी तारीफ करेंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, चलिए कुछ खाते हैं। दोनों सास बहू बाजार घूमने के बाद जब वह घर लौट रही होती है, तभी रास्ते पर एक बड़ी भीड़ लगी हुई होती। जैसे ही वह भीड़ को चीरते हुए अंदर आती हैं, तो गौरजा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर चौंक पड़ती हैं। माँ जी ये तो जेठानी जी है, हमें इन्हें लेकर अस्पताल जाना होगा, इनके सर से खून बह रहा है। दोनों सास बहू बिना देरी किए गौरजा को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कई घंटों बाद जब गौरजा बेहोशी से बाहर आती है, तो उसे देखकर नैना और दुलारी के आंखों में ठहरे आंसू उछलक पड़ते हैं। भगवान का शुक्र है बहू, जो तुझे होश आ गया, हमारा तो दिल ही बैठ गया था। बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो आपको माँ जैसी सास मिली है, वरना आज के जमाने में तो दूध पिलाने वाली माँ भी अक्सर बच्चों को भूल जाती है।
मगर मैंने पहली बार सास को बहू के लिए बेचैन होते देखा है। डॉक्टर के मुंह से सच सुनकर गौरजा की आंखें जमीन में गड़ जाती हैं और वह कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू कहलाने के काबिल नहीं। मैंने अपने गोरेपन के गुमान में आप दोनों से भेदभाव किया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बड़ी बहू जो हुआ उसे भूल जा, सुबह का भूला अगर शाम रहते घर लौट आए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। इस तरह गौरजा का गोरेपन का घमंड टूट कर बिखर जाता है। आज दुलारी की दोनों बहुओं में काले गोरे रंग को लेकर कोई भेदभाव या बैर नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन था। एक गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। इस गांव के लोग काफी पिछड़ी सोच के थे, वो सदैव अपने पुराने रीति रिवाजों को ही बढ़ोतरी दिया करते थे। आज के जमाने में भी ऐसे ही शाम के समय मुद्रीनाथ अपने 8 साल के बेटे रोहन की शादी 5 साल की छोटी लड़की संपदा से कर रहा था। तभी पंडित मंडप में कहता है, अरे जजमान, आपकी पुत्री अभी काफी छोटी है, बाल विवाह के योग्य नहीं है, कम से कम इसे 10 साल का तो होने दे देते, यदि इतनी भी क्या जल्दी थी। पंडित जी, आपके ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते है ना मैं कौन हूँ, मेरा बेटा और इसकी बेटी दोनों योग्य है, बाल विवाह ऐसे ही होता है। किंतु जजमान, ये जमाना बदल गया है। पंडित जी, आप बहस क्यों कर रहे हैं? जब बच्चों के माता पिता राजी तो आप क्या करोगे काजी? पापा, पापा देखना, जब ये मेरे घर पर आएगी ना तो मैं इसे अपना सारा काम करवाऊंगा। ए, तू करेगी ना? चल मेरा हाथ। माँ, ये ताओला है, मुझे इसके साथ दल नहीं डाना, ये अतिथियो बोल रहा है। बेटा ऐसे नहीं कहते, चुपचाप बैठ जा। ये तोतली क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जब घर आएगी ना तो बताऊंगा मार मार कर। अरे वाह, मेरा बेटा तो अभी से ही शेर बन रहा है। पंडित जी, बाल विवाह शुरू कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। जी जरूर। पंडित शादी के मंत्र पढ़कर बच्चों का बाल विवाह कराना शुरू करता है। इतने में तेज बवंडर आकर वहाँ के माहौल को खराब कर देता है, जिससे मंडप तितर बितर हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। साफ मौसम अंधेरे में बदल जाता है तो गांव के लोग कहते हैं, अरे अरे, अचानक ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सफेद मौसम काला कैसे हो गया? लगता है कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। डर के पंडित रफू चक्कर हो जाता है। तभी तेज बिजली की चमक से 7 चुड़ैल जो कि बच्चियां थी वो गांव वालों के सामने आती हैं और अपनी शक्तियों से उन गांव के बाल विवाह करवाने वाले लोगों को जमीन में उठाकर उठा पटक करने लगती हैं और एक चुड़ैल बच्चों को साइड कर देती है। बच्चों के दोनों पिता रामपाल और मुद्रीनाथ के साथ भी चुड़ैलें यही कर रही थी। तभी घबरा कर मुद्रीनाथ कहता है, कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी चुड़ैलें। अरे बचाओ बचाओ गांव वालों लोग, हमें बचा लो आकर। क्या सोचकर बैठा था तू कि बच्चों का बाल विवाह करवाएगा और हम चुपचाप होने देंगे? इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी, अपनी दूध पीते बच्चों की शादी तो कैसे करा सकता है। और रामपाल तू भी, तुम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी, तैयार हो जाओ। अरे रा, मेरे पति को छोड़ दे, आखिर तुम हमको क्यों परेशान कर रही हो? अभी नहीं समझी तू, तुझे भी बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल उसका फुटबॉल बनाकर फुटबॉल की तरह जमीन पर मारकर खेलती है और चौथी चुड़ैल उसे बैट बॉल से मारती है, पांचवी उसे पकड़ती है और उस औरत का बुरा हाल बना देती है। अरे मेरी पत्नी को छोड़ो तुम, और इतनी सारी तुम चुड़ैले यहाँ पर एक साथ क्यों आई हो? क्योंकि तुम लोगों ने मासूम बच्चों का बाल विवाह करवाया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो इन्हें ले चलते हैं। सातों चुड़ैलें उन बाल विवाह करवाने वाले तीनों लोगों को एक गुफा में लेकर जाकर अंधेरी कोठरी में कैद कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से 2-3 बच्चों का बाल विवाह कराया जा रहा था, जहां वो बच्चे केवल 8 साल के आसपास थे। पढ़ने लिखने खेल कूद करने की उम्र में उनके माता पिता उनका विवाह करा कर उनके भविष्य को खराब कर रहे थे। छोटी सी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जब जबरदस्ती उसे मंडप में बिठाया था तो वो बहुत रो रही थी। माँ माँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है, मुझे घर लेकर चलो माँ, ये बहुत सारे लोग हैं। मोनी बेटा चुप बैठी रह, तेरी शादी हो रही है, कहीं नहीं जाना, तुझे समझाया था ना क्या क्या करना है। माँ मुझे किसी और के घर जाकर काम करना पड़ेगा अभी से, पर मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ बाकी बच्चों की तरह। चुपचाप बैठी रह, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका ही करना है। इसके बाद भी और शादी नहीं कराई तो पैसे कैसे मिलेंगे?
माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। अंजना मोनी की बात सुन उसे चांटा लगाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी सातों चुड़ैलों को उस बाल विवाह के बारे में पता चल जाता है और वो इस बाल विवाह को रोकने और बाकी लोगों को सजा देने के लिए वो सातों चुड़ैल आ जाती है। तभी एक चुड़ैल बाकी लोगों को पटक पटक कर मारती है। तू अपनी छोटी सी बेटी की शादी करा रही है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। और पंडित तू भी बाल विवाह कराने में शामिल है ना, सबसे पहले तुझे ही गायब करना पड़ेगा। अरे अरे मुझे बख्श दो, अरे मुझे बख्श दो, मैंने लोगों को समझाया था पर ये लोग मानते ही नहीं है। कौन हो तू और मैं अपनी बेटी की बाल विवाह कराऊं या ना कराऊं, तुम होती कौन हो बोलने वाली? हम जो भी हैं तो जब पता चल जाएगा, पर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अपनी बेटी का बाल विवाह कराना है ना, बदले में पैसे चाहिए ना, आप तू देख। सातों चुड़ैले उन्हें वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत मारती हैं और अपनी गुफा में कैद कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद भी गांव के लोग उन सातों चुड़ैलों से नहीं डरते और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल विवाह करवाते हैं। इसलिए सातों चुड़ैले एक एक करके लोगों को बंदी बनाकर गुफा में कैद कर रहे थे। अब गांव में सातों चुड़ैलों का खौफ फैल चुका था। वो चुड़ैले उन्हें सबक सीखने के लिए गांव में आतंक मचाती हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, अरे आखिर कब तक तुम सातों चुड़ैले हमारे गांव पर कब्जा करके रखोगे? हमारे कैद किए लोगों को वापस करो, आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मकसद है? तुम जानते हो कि हम सब किस लिए कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, हम सातों चुड़ैल बच्चों को देखो, इस गांव के तुम ही लोगों में से हम किसी के बच्चे हैं जिन्हें अब हम याद भी नहीं है। कुछ साल पहले मैं शारदा सिर्फ 10 साल की थी, तभी मेरी माँ बाबा ने इस गांव के सरपंच के कहने पर उसके 12 साल के बेटे से मेरी शादी करानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। बेटा शादी कभी ना कभी तो करनी है, इसलिए अभी ही कर ले। जबरदस्ती मंडप में बिठाकर लड़के के हाथ में उसका हाथ दे देती है। इस तरह जबरदस्ती शारदा का बाल विवाह रवि से हो जाता है, जहां अगले दिन ससुराल में उसकी सास कहती है, अरे छोरी तुझे दिमाग नहीं है क्या, सर पर घूंघट रख और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ जी मुझे चाय बनानी नहीं आती। लो कर लो बात, इसे तो वो भी नहीं आता, ये कैसी बहू आ गई घर में। चल जाकर रामू काका से चाय बनाना सीख, वरना काल कोठरी में डाल दूंगी तुझे। छोटी सी शारदा को घरेलू काम करने में अनेक दिक्कतें आती हैं और उसकी कई गलतियों पर उसकी सास उसे काल कोठरी में डाल देती है, जिससे वो सहम जाती थी। और एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो उसे अपनी जैसी 2-3 लड़की बाल विवाह से परेशान दिखी। अरे क्या तुम्हारा भी मेरी तरह बाल विवाह हुआ है? हाँ मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता, मुझे बस खेलना अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी बस खेलना अच्छा लगता है और पढ़ना, लेकिन ये लोग हमसे बर्तन धुलवाते हैं और जो मेरा पति है वो मुझे घूसा मारता है, मैं बहुत परेशान हूँ। 2-4 दिन बीतते हैं कि उनके जैसे उम्र की गांव में काफी सारी परेशान बच्चों की शादी की जाती है और शारदा की मुलाकात उनसे होती है। एक दिन वो 7 लड़कियाँ मिलकर कहती हैं, क्या तुम भी इससे परेशान हो, अब मुझसे घर का काम नहीं होता? हाँ मुझसे भी नहीं होता, इसलिए हम सब अपने जाने इस कुएं में कूद कर दे देंगे, क्योंकि ये लोग बाल विवाह रोक ही नहीं रहे हैं। तभी सातों छोटी बच्चियां उस कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती हैं, जिसके बाद वो सातों चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को परेशान करती हैं। अब समझ आया या नहीं, अगर तुम लोग अभी भी छोटे छोटे बच्चों की शादी करके उनकी खेलने पढ़ने की उम्र को बर्बाद करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक एक करके इस गांव को खाली कर देंगे, या तो सुधर जाओ। बता दो इस गांव को शमशान बनाना चाहते हो या अपनी हरकतों पर रोक लगाओगे, क्योंकि कानूनन बाल विवाह करना बंद हो चुका है, 18 वर्ष से पहले बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में कभी भी किसी बच्चे की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं, अब हमारे गांव के लोगों को रिहा कर दो। ठीक है हम कर देते हैं आजाद। गांव वाले सातों चुड़ैलों से वादा करते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल कैद किए लोगों को आजाद कर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर होशियार बनाते हैं।